So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends. Today let Sanukumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. तो अब साइड के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हम बंद करते हैं, अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं. ज़्यादा पढ़ाई पर कूदेंगे नहीं, पहले आपके हाल चाल तो ठीक है, पिछले लेक्चर तो देख रहे हैं, नोट्स तो बना रहे हैं, न्यूमेरिकल तो सब बहुत कुछ करना है बच्चों, लेकिन कुछ नहीं करना है, बस डेली थोड़ा 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 करते जाओ. हर दिन का जो टास्क है उस टास्क पे अपने प्रोसेस पे ध्यान दो. रिजल्ट पे ध्यान दोगे गड़बड़ हो जाएगा, प्रोसेस पर ध्यान दो, अपने प्रोसेस को देखते हुए आगे बढ़ो. और इसी चीज़ को अगर साथ में फिर बोलता ही जा रहा हूँ, अगर साल भर पढ़ोगे रिजल्ट अच्छा आएगा. एक सप्ताह पढ़ के रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे, रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी पास हो ही जाओगे. ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ज़्यादा बला बला नहीं करेंगे. टाइम है साइंस के बला बला करने की. साइंस की बला बला में हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन. माई डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मोशन. मोशन में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के न्यूमेरिकल, स्पीड के न्यूमेरिकल, बहुत सारे बला बला को ऑलरेडी अपने दिमाग में लोड कर लिया है. जरूरत है बार बार रिवीजन करते रहने की, न्यूमेरिकल बनाने रहने के लिए, फॉर्मूलाज को लिख के चिपकाते रहने की, उन्हें बार बार देखते रहने की. बहुत तेज बोलते हैं भैया, धीरे धीरे बोलेंगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे. टॉपिक स्टार्ट करना है आज एक्सीलरेशन. माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमें स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ने के लिए. अब देखिए, टॉपिक ये है, बात ये है कि हमें स्कूल में, हमारे ट्यूशंस में, किसी भी यूट्यूब पर हमें ये तो बता दिया जाता है एक्सीलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. लेकिन हमें ये फील नहीं होता है, मुझे खुद अपने टाइम में ये फील नहीं हो पाया था कि आखिर एक्सीलरेशन की जंतु का नाम है, इसे हम कैसे जानते हैं. आप फोकस करते रहिएगा कैमरा की तरफ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आए बीच में, हमारा एक्सीलरेशन की फील आने वाली है कि आखिर एक्सीलरेशन होता क्या है. एक्सीलरेशन का मतलब, जैसे हमने आपको स्पीड में बताया था, स्पीड इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर. देखिएगा ये 25 किलोमीटर पर आवर ही हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता है कि हमें वेलोसिटी से ये पता चलता है कि वो 1 आवर में 25 किलोमीटर मूव कर रहा है. देखिएगा, अगर स्पीड लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बॉडी है वो एक सेकेंड में देखिएगा स्टूडेंट 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इसीलिए हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी. और हमें पता भी है कि जो स्पीड का, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ही कहते हैं, स्पीड को हटाइए, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. मैं यहाँ नॉर्थ लिख दूंगा, यहाँ साउथ लिख दूंगा, तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. तो उससे तो हमें ये समझ में आता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से वो 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी ट्रेवल करता है. यानी स्पीड हमें ये बताता है कि वो 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें स्पीड देता है या फिर वेलोसिटी देता है. अब हमें देखने की क्या चीज़ की ज़रूरत है, अब हम देखेंगे कि आखिर एक्सीलरेशन क्या होता है. उस चीज़ को पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम एक टाइम लेते हैं, ओके माई डियर फ्रेंड्स, फिर हम स्पीड लेते हैं, टाइम लेते हैं, स्पीड लेते हैं, टाइम लेते हैं, स्पीड लेते हैं, टाइम लेते हैं, स्पीड लेते हैं, और तीसरा जो है वो हम चेंज लेने वाले हैं. अब देखिएगा, टाइम मानिए 1 सेकेंड हुआ 2 सेकेंड हुआ 3 सेकेंड हुआ 4 सेकेंड हुआ, ओके. अब देखिए, पहले सेकेंड में हमने माना कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा में 4 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा में 6 मीटर पर सेकेंड है, चौथा में 8 मीटर पर सेकेंड है, ओके. अब देखिएगा, ये देखिएगा, हम अगर पहले से दूसरे सेकेंड में गए, पहले से फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड सेकेंड में गए, तो टाइम का कितना चेंज हुआ? 1 सेकेंड का चेंज हुआ. टाइम में कितने का चेंज हुआ? 1 सेकेंड का चेंज हुआ. और वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ? वेलोसिटी जो पहले 2 था अब वो 4 हो गया, यानी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ.
2 मीटर पर सेकंड का चेंज हमारे स्पीड में हुआ, हमारे वेलोसिटी में हुआ। ज्यादातर हम वेलोसिटी टर्म का ही किसी भी क्वेश्चन में यूज करते हैं, मैं इसे यहाँ वेलोसिटी ही लिखता हूँ। हमारा जो वेलोसिटी है उसमें 2 मीटर पर सेकंड था, वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। कितने सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स? 1 सेकंड में, यानी पर एक पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। यानी समय जब 1 सेकंड बढ़ा तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। 2 मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है। और ये सेकंड क्या है? ये हमें टाइम बता रहा है कि अगर टाइम 1 मीटर सेकंड बढ़ा, 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो हमें 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो गई। यानी देखिएगा, एक इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन ये है गिव्स दी आइडिया अबाउट चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, पर यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड नहीं आवर भी हो सकता है, पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी एक समय के अंत, पर यूनिट मतलब क्या होता है? एक यूनिट टाइम, यानी 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड, जो भी टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं, उस एक यूनिट के टाइम में कितना चेंज आ रहा है, किस चीज में, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। एक्सीलरेशन हमें ये बताता है, देखिएगा बहुत ज्यादा बला बला है इसमें, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट में देखिएगा कि वेलोसिटी जो, एक्सीलरेशन जो है, ये हमें ये बताता है कि अगर टाइम 1 सेकंड मूव किया, 1 सेकंड आगे बढ़ा, तो हमारा जो स्पीड है उसमें कितना का चेंज आता है, वो हमें एक्सीलरेशन बताएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा, लेट की हमने स्टार्ट किया, हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो हमारा जो स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 सेकंड तक क्या किया, ट्रेवल किया, 10 सेकंड तक मैंने ट्रेवल किया। उसके बाद मैंने अपना जब फाइनल आया, तो मेरा जो स्पीड था वो 40 मीटर पर सेकंड हो गया था, 40 मीटर पर सेकंड हो गया था। देखिएगा, 2 मीटर पर सेकंड से मैं ट्रेवल कर रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से मैं ट्रेवल कर रहा था, और मैंने 10 सेकंड ट्रेवल किया, और मेरा जो फाइनल स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड बना। क्या बना? 40 मीटर पर सेकंड बना। तो अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि तुम मेरे स्पीड में पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में, यहाँ पे टाइम क्या है? सेकंड, यानी 1 सेकंड में मेरा जो वेलोसिटी है उसमें कितना का चेंज आया। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी में से हम अपने इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, चेंज कैसे निकालते हैं हम, किसी चीज में चेंज आता है तो उसके फायदे, जैसे मैं पहले 6 kg का था, अब मैं 12 kg का हो गया, तो मेरे वेट में कितने का चेंज आया, तो मैं अपने फाइनल वेट में से इनिशियल वेट यानी स्टार्टिंग वेट को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। मेरा स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था, अब वो 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मेरे स्पीड में कितना का चेंज आया उसको निकालने के लिए मैं अपने फाइनल वेलोसिटी में से अपने इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। मैं अपने फाइनल वेलोसिटी में से अपने इनिशियल को अगर सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे चेंज निकल जाएगा। इसको आप एक ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या है? 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल क्या है? 2, और टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड, डिवाइडेड बाय, एक मिनट, अभी तो वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वेलोसिटी में चेंज कितना आया। हमारे वेलोसिटी में चेंज आया 40 - 2 इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड का, 38 मीटर पर सेकंड का मेरे वेलोसिटी में चेंज आया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चेंज आया वो 10 सेकंड में आया। कितने देर में आया? 10 सेकंड में आया। और हमें क्या पता करना है? हमें अब ये पता करना है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो आपको पता है कि अगर 10 सेकंड में
10 सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज है वो 38 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में जो चेंज होगा वो 38 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड होने वाला है, यानी 3.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में हमारा जो वेलोसिटी है वो 3.8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है और यही हमारा एक्सीलरेशन हो गया। देखिएगा, आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो बेसिकली फील लाइएगा, फील लाने की मैं कोशिश करूँ, मैं पूरा डिफिनेशन लिखवा सकता हूँ, पूरा फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ, न्यूमेरिकल बता सकता हूँ, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है कि 3.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड या फिर 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है क्या। तो ये बताता है कि एक सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी है वो एक सेकेंड में 3.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुआ, यानी अगर ये पहले सेकेंड में था और वो दूसरे सेकेंड में आता तो उसका जो वेलोसिटी जो पहले 2 था वो 3.8 से बढ़ के 5.8 मीटर पर सेकेंड होता। आई होप आपको ये फील, मैंने अपनी पूरी एनर्जी देने की कोशिश की ताकि आपको ये समझ में आ सके कि एक्सीलरेशन का फील क्या होता है। ये आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा कि चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सीलरेशन का फील तो दिला दिया, अब टाइम है हम एक्सीलरेशन के कुछ बुकिस ब्ला ब्ला जानने का। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन का डिफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ, अपनी लैंग्वेज में एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इज। स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, परेशानियां आते रहेंगी, मेरा वीडियो पॉज होते रहेगा, आपकी भी पढ़ाई रुकते रहेगी, लेकिन ज़रूरत है फिर एक बार पढ़ाई चालू करने की। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 दिन से ज़्यादा का गैप बिल्कुल भी नहीं, तो फोकस करेंगे एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की वो क्या है। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एंड, उसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड के चेंज से विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब सबसे देखिएगा, चेंज हम कैसे निकालते हैं, चेंज हम निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल यानी शुरुआती और फाइनल मतलब जो अंतिम, किसी भी चीज में अगर हमें चेंज निकालना हो जैसे हमारी हाइट पहले 10 सेंटीमीटर थी और वो 20 सेंटीमीटर हो गई है, तो हम कितने का चेंज आए वो कैसे निकालेंगे। तो हम फाइनल जो रिजल्ट है, अब का जो हाइट है उसमें से पहले वाले हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, चेंज इन हाइट कहलाएगा। जैसे पहले मैं 15 kg का था, अब मैं 50 kg का हो गया, तो मैं अपने फाइनल 50 kg में से इनिशियल 15 kg को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा चेंज इन वेट निकल जाएगा। उसी प्रकार जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी है, उसको हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस सब्ट्रैक्ट इनिशियल वेलोसिटी। हम फाइनल वेलोसिटी में से अपने इनिशियल वेलोसिटी को हटा देंगे तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी कभी भी आपको चेंज निकालने का बोले, किस चीज में चेंज निकालने का बोले, अगर आपको वेलोसिटी में सिर्फ चेंज निकालना है तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने एक्सीलरेशन का पढ़ा, तो एक्सीलरेशन अब क्या होता है, एक्सीलरेशन जो हमारा है,
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। हमारा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सबसे पहले मैंने आपको एक्सीलरेशन की फील दिलाने की कोशिश की, ओके माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स। फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस केस में मैंने आपको बताया कि उसके बाद मैंने आपको बताया कि चेंज निकालने के लिए कभी भी हम फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, और डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी के केस में हम क्या करते हैं, अपने फाइनल वेलोसिटी में से अपने इनिशियल यानी अपने फाइनल वेलोसिटी में से अपने स्टार्टिंग वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिंक जोड़ा कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम आपको कुछ नोट बताएंगे, नोट जो आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको हमने बताया कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस उसको हम हमेशा एस से डिनोट करते हैं, ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी होता है उसको भी जनरली हम एस से ही डिनोट करते हैं। बस ये होगा कि उसमें हम एस बार लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हमारा जो स्पीड होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, या फिर जो हमारा जनरली जो वेलोसिटी होता है इसको भी हम वी से डिनोट करते हैं। लेकिन देखिएगा, वी से हमेशा हम वेलोसिटी को ही नहीं बल्कि फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं। इसमें दो केस बनते हैं, वेलोसिटी में दो केस बनता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम मीन्स एंडिंग वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अगर आप अल्फाबेट पढ़ें तो r s t u फिर भी u फिर भी यानी u पहले आता है, तो u का यूज हम इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी करेंगे, और v जो बाद में आता है तो उसका यूज हम फाइनल वेलोसिटी के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी टाइम के लिए t और एक्सीलरेशन के लिए ये a, ये जानना आपका, तो मींस एक्सीलरेशन के लिए ये शायद नया होगा, और जो टाइम के लिए t है वो आपको पता ही होगा। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्टेंस को s, डिस्प्लेसमेंट को s बार, वेलोसिटी में दो टाइप के आ गए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से और फाइनल वेलोसिटी को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, u और v का खेल। अल्फाबेट में u पहले आता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज होगा, v बाद में आता है तो वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज होगा। उसके बाद एक्सीलरेशन के लिए a और टाइम के लिए t, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो अब देखिए, जैसा कि क्या है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज आने वाला ये एक फॉर्मूला आ गया कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आई होप आप इसको नोट करेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब देखिएगा, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी तो हो गया। अब हम देखेंगे कि SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है। तो SI यूनिट किस चीज पे डिपेंड करेगा, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई SI यूनिट ऑफ टाइम,
SI यूनिट ऑफ टीम। अब देखिए ऊपर जो v माइनस यू है वो क्या है, स्पीड है, स्पीड का चेंज है, यानी 10 मीटर में से 10 मीटर पर सेकंड एक स्पीड हुआ और 20 मीटर पर सेकंड एक स्पीड हुआ, तो हम 20 मीटर पर सेकंड में से अगर 10 मीटर पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड बचने वाला है, यानी एक वेलोसिटी में से अगर हम दूसरे वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचने वाला एक वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड हमें मालूम ही है। तो अगर अब हम इसको ऐसे करेंगे, मीटर बाय सेकंड आपको पता है, फ्रैक्शन का डिवाइड आपको पता है, नीचे जो रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए स्टूडेंट्स आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम मैंने लिखा, और जो यूनिट एसआई यूनिट वेलोसिटी के चेंज का आने वाला है वो वेलोसिटी का ही आने वाला है मीटर पर सेकंड, और जो टाइम का आने वाला है वो सेकंड आने वाला है, तो मीटर बाय सेकंड इनटू 1/2 करेंगे, क्योंकि ये सेकंड बाय 1 है, सेकंड बाय 1 है, तो जब डिवाइड का हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हुआ तो 1/2 हो गया, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहीं से हमें ये मिलता है कि जो एक्सीलरेशन है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे मीटर पर सेकंड पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई हमें बता देता है कि एक्सीलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें फील ही नहीं आता था कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है क्या भाई। तो अब आपको आई थिंक क्लियर होगा कि जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो हमें ये बताता है कि एक सेकंड में जो स्पीड में चेंज है वो कितने का हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का हो रहा है। देखिएगा एक बार और मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाने की फील दिलाने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको एक्सीलरेशन की फील आ जाए। जैसे कि अगर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन के बदले एक सेकंड में चेंज इन स्पीड है या फिर चेंज इन वेलोसिटी है वो कितने आने वाला है, 5 मीटर पर सेकंड का आने वाला है। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड के बाद चूंकि एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड के बाद जो स्पीड है उसमें 5 मीटर का चेंज आया, पर सेकंड का चेंज आने वाला है, यानी फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड का हो जाने वाला है। देखिएगा इस केस में समझिएगा एक्सीलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, यानी एक सेकंड में हमारा जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। यानी अगर इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा, यानी वो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एसआई यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कि ये 5 मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी के वजह से सिंस acceleration depends on velocity and velocity is a vector quantity, therefore acceleration is a vector quantity। acceleration के पास direction होता है, और वो जो direction होता है वो change in
वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है। तो आई होप आपको एक्सीलरेशन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो आपके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उसके बाद जो होने वाला है वो एक रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाला है। मैंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको एक्सीलरेशन का फील दिलाने की कोशिश की कि इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ सके कि एक्सीलरेशन एक्चुअली होता क्या है, एक्सीलरेशन का फील क्या होता है। इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई करते रहेंगे, मेरे भी मैं भी आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँगा, इसी होप के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग विथ रिटार्डेशन।